हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम दिखाएंगे आपको रामपुर के हेरिटेज एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी रामपुर रजा लाइब्रेरी, जिसको हामिद मंजिल भी कहा जाता है। और इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप देख रहे होंगे इसकी खूबसूरती, ये मेरे लेफ्ट हैंड पर एक किले का गेट है। रामपुर के किले के अंदर ये लाइब्रेरी है और ये किले की दीवार जा रही है। मैं किसी दिन आपको किले का भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सारा लाइब्रेरी दिखा देता हूँ जो रामपुर की आन है, बान है और शान है। और आप लोगों से यही निवेदन है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं अभी अंदर से भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है रामपुर शहर, जहाँ पर 40-40 का रेशियो है लगभग हिंदू और मुस्लिम का। और रामपुर सिटी में तो 70-30 का या 75-25 का ही है, 75% मुसलमान। और रामपुर में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर। ये एक इतिहास है रामपुर का और उस इतिहास को सजोए हुए ये लाइब्रेरी खड़ी हुई है। और इसमें मैं आपको जो ये जो विंग दिख रहा है ना, ये विंग, इसमें ना आपको जो एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो गुंबद है ना भाई, इस गुंबद में जो 1, 2, 3, 4 जो गेट दिख रहे हैं, इसमें एक मंदिर है और ये क्रिश्चियनों का चर्च है और एक ये गुरुद्वारा बना है और ऊपर मस्जिद बनी है। यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेने के बाद में नवाब हामिद अली खान ने हामिद अली खान ने बनवाई थी। और इसमें जो है बेहतरीन किस्म का सम्मिलन किया गया है सभी धर्मों को लेकर। और मैं थोड़ा सा अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। पहले इसमें जो थी वो अलाउ नहीं था अंदर जाना, लेकिन अभी अलाउ कर दिया गया है। तो ये देखिए आप कितनी खूबसूरती लिए हुए ये लाइब्रेरी खड़ी हुई है। ये भी ब्रिटिश कालीन, आप बोलेंगे ब्रिटिश कालीन के दौर का ये सब नमूने हैं, ये फव्वारा लगा हुआ है। ब्रिटिश कालीन दौर की ये जो है सारी की सारी कलाएं हैं जो इसमें है। और ये पीछे मेरे ये पूरा किला है, ये किले का मैदान है यहाँ पर। और यहाँ से काफ़ी लोग टहल रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी टहल रहे हैं, आगे बंक मार के आए होंगे शायद ये ज़रूर। तो मैं थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। और आप लोगों सिर्फ यही कहना, वीडियो को ज़रा शेयर करते रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ें, नायाब चीज़ें रामपुर के हेरिटेज आपको इस पेज पर मिलेंगी और आप ही के लिए ला रहा हूँ। मैं थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की जो टॉम बना रखी है इन्होंने, उस वक्त जब रामपुर पर मुसलमानों का राज हुआ करता था, उस वक्त जिस वक्त नवाब साहब यहाँ पर राजा थे, उस वक्त भी यहाँ पर कोई भी इतिहास में ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है जिसमें हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद हुआ हो। तो बड़े ही प्यार और मोहब्बत से दोनों कौमें यहाँ पर रामपुर में रहती आई हैं और ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ये आप गौर से देख रहे हैं, ये बीच में चर्च आ गया, वो गुंबद गुरुद्वारे का आ गया, ऊपर मस्जिद है, ये नीचे मंदिर का आ गया। तो ये चारों का समावेश किया गया था। ये देखने में बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इतिहास इसके अंदर ये है कि ये हिंदू चर्च यानी क्रिश्चियन और वो गुरुद्वारा और सबसे ऊपर मस्जिद। तो चलिए लेके चलते हैं आपको, ये इसका खूबसूरत सा मार्बल का गेट। और अभी चलते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिटिश कालीन ये खंभा लगा हुआ है। सैकड़ों साल से अपने, मतलब ये है कि सैकड़ों साल से अपनी आन बान शान लिए खड़ी है लाइब्रेरी, जिसको हामिद मंजिल भी कहता है। यहाँ से लुक देखिए, इसका प्रॉपर लुक देखिए, गेट का कितना खूबसूरत दिख रहा है। और काफ़ी लोग इस पर घूमने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं, एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए एंट्री कर रहे हैं हम। देखिए कितनी खूबसूरत गैलरी है ये। और ये ब्रिटिश कालीन की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आप देखिएगा। नो एंट्री। और यहाँ पर पहले फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन अभी अलाउ कर दी गई है। ये बेहतरीन एक हॉल। और ये आप यहाँ का इंटीरियर देखिए, ऐसी फुटेज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये रामपुर का हेरिटेज है। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हुए कॉलेज की कुछ गर्ल्स, तो आप लोग ज़रा वीडियोस को शेयर करते रहिएगा और मैं ऐसे ही हेरिटेजेस वीडियोस आपके लिए लेकर आया करूँगा। यहाँ एंट्री करते ही रानी लक्ष्मीबाई का एक फ़ोटो लगा हुआ है, ये देखिए। जय हिंद। और ये है रामपुर के एक्सपोजर, मैं लॉक कर देता हूँ। ये रामपुर का एक चाकू है और ये है 1865 से 1887।
बल्कि मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मैं ये डालता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाता हूँ सारी चीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पर जो लगी हुई। तो इस वीडियो को शेयर करें दबा के और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगले वीडियो में ये सब तलवारें जितनी भी हैं और जितने भी रामपुर के बने हुए अद्भुत नमूने वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो जब तक पेज पर बने रहें।